हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और नए वीडियो अंजनानंद ब्लॉग में। नमस्ते, प्रणाम, हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 4 और इस समय फ्रेंड्स अभी मैं देखिए इडली बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज भिगो के रखी थी सुबह ही चावल और दाल। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। अभी फ्रेंड्स सुबह से लाइट नहीं था, अभी लाइट आया है तो जाकर पीसने। तो देखिए फ्रेंड्स, चावल भिगो के रखी थी, अभी इसको 2-3 पानी से अच्छे से धोऊंगी। और इधर देखिए मूंग दाल है फ्रेंड्स, से इसको भी अच्छे से धोऊंगी। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो फुल वॉच करना फ्रेंड्स। थोड़ा एक बाल्टी पानी भरने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, धोने के बाद कितना फ्रेश फ्रेश दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और चावल भी देखिए धो दी हूँ फ्रेंड। धोने अच्छी तरह से धोने से क्या होता है, बिल्कुल वाइट वाइट होएगा, नहीं तो पीला पीला दिखेगा। इसीलिए कभी भी अच्छे से, बहुत ही अच्छे से धो लिया रगड़ कर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिक्सी है, तो अभी मैं वाटी लगा रही हूँ, आप लोग को अभी दिखाती हूँ पीस कर। देखिए फ्रेंड्स, पीसने के बाद कैसा हो गया है, एकदम ही बारीक। तो एकदम बारीक ही पीसना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा पीस ली हूँ। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा बाल्टी है, इसमें रखती हूँ। ये देखिए, आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए बिल्कुल पतला है। और देखिए, दो तरीक़े का मैं बनाऊँगी। यहाँ पे देखिए, इसमें लहसुन और लाल मिर्च है, जो कि मैं पीसी हूँ फ्रेंड। अच्छे से दिख नहीं रहा है कैमरे में, तो मैं दो अलग अलग बनाऊँगी, आप लोग को बना के दिखाऊँगी। तो देखिए, खाने का सोडा है, तो मैं बहुत अपने चुटकियों से देखिए बस इतना ही ऐड करूँगी इसमें, और इसमें डालकर इस मिला लूँगी। ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसमें नमक ऐड कर दी थी थोड़ा इतने टाइम, और देखिए फ्रेंड्स फिर से थोड़ा हल्का डाल रही हूँ। जितना रहेगा फ्रेंड्स अपने स्वाद अनुसार आप लोग नमक ऐड करिएगा, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। अब बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी छत पे आई हूँ, और देखिए आज सुबह गेहूँ धोकर डाली थी सूखने के लिए, सूख चुका है फ्रेंड्स। इसको भी अभी उठा के गोनी में भरना है, और खाना बनाने का समय हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से कटहल का सब्जी बनाऊंगी, कल कोफ्ता बनाई थी। तो पहले रोटी और चावल बना लेती हूँ, उसके बाद नीचे चलती हूँ, इडली भी बनाना है। तो देखिए रहा आटा, क्या करूँ फ्रेंड, बहुत ही सारा काम रहता है, बाऊ को भी इसमें देखना रहता है, तो समय नहीं पा, अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही फ्रेंड। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। इतने अच्छे से वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते नहीं है, पता नहीं कि क्या कमी है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखती हूँ कोई कुछ भी नहीं किया रहता है, फिर भी पता नहीं कैसे हो आप लोग सबको इतना लाइक देते हैं। जो मेहनत करता है फ्रेंड्स, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता है। वे फालतू के लोगों को बहुत ही सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो फुल वॉच करना। देखिए यहाँ पे आटा चल रही हूँ, अभी गूँथूँगी। गूँथने के बाद ही चूल्हे में आग जलाऊँगी, क्योंकि रोटी और चावल ही चूल्हे बनाऊँगी, बाकी सारा चीज़ नीचे बनाऊँगी गैस पे। देखिए फ्रेंड्स, मैं बना चुकी हूँ, पूरे पसीने से भीग गई हूँ। और देखिए वहाँ पर चूल्हे में आग बुझाती हूँ पानी डालकर, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मियों का दिन है और आग लगने का डर रहता है, इसलिए पानी डाल देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो इसीलिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। चूल्हे में पानी नहीं डाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि चूल्हे में पानी नहीं डालता है, बस ऐसे पानी का छिट्टा मार ली हूँ, और जो भी लकड़ी था उसको बुझाती हूँ पानी से। अब खाना लेकर चलती हूँ नीचे, और बनाऊँगी इडली, आप लोग को दिखाती हूँ बनाकर।
देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कटहल तल के निकला हुआ है और तो देखिए कढ़ाई मसाला भुनने जा रहा है। फ्रेंड्स अंधेरा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। फ्रेंड्स रात हो चुका है इसलिए ऐसा वीडियो अभी देखिए बन रहा है। और देखिए इडली का सांचा ले ली हूँ और ये सब में तेल लगाना है। फ्रेंड्स तेल लगा कर ही इसमें अभी आप लोग को दिखाती हूँ कैसे रखना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से उंगलियों में तेल लेकर इस तरह से रगड़ के इसे लगाना है सभी। और देखिए सांचे में मैं एक लोटा पानी ले ली हूँ और देखिए आधा नींबू डाल देने का, इससे भी कम भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पूरे सांचे में इस तरह से भर लेना है। यहाँ पे देखिए पूरा बंद, अभी इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, अभी देखिए बज गया है 9:35। फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 9:35 हो गया है। इडली बना रही थी फ्रेंड्स, उसी टाइम लाइट चली गई थी और अब भी जाके 10 मिनट हुआ है, अभी लाइट आया है, इसके वजह से ब्लॉग नहीं बना पाए। फ्रेंड्स आप लोग को इडली बनाकर दिखाने वाली थी, उसी तरह से आटा उठा के रखती हूँ फ्रेंड्स, सुबह बनाऊँगी तो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसे मैं देखिए पानी ले ली हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है और बच्चे लोग दोनों सो गए हैं, अच्छे सो नहीं पाते हैं फ्रेंड्स, रोने लगते हैं रात को, इसीलिए कूलर में पानी डाल रही हूँ और कूलर चलाऊँगी जब तक रूम ठंडा नहीं हो जाएगा, तो कूलर ही चलेगा उसके बाद पंखा चालू करूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा बच्चों लोग को कूलर का हवा देना भी सही नहीं है क्योंकि उससे तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बस इसीलिए। और मैं कूलर भी बाबू के लिए वजह से ही ली थी क्योंकि बाबू को बहुत दिक्कत हो रही थी, रोने लग रहा था गर्मियों में, तो इसीलिए कूलर ली थी। तो जब चला रही थी फ्रेंड्स वो बार बार बीमार पड़ जा रहा था, इसीलिए कूलर का हवा उतना नहीं लेती हूँ, पंखा यूज करती हूँ, बहुत ज़्यादा पंखा गर्म हवा देता है तब भी कूलर चालू करती हूँ। ओके फ्रेंड्स आप लोग आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो में हमसे अगर कुछ गलती हो गई होगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, शुभ रात्रि।